हेलो क्लास सर, आज आप साइंस में स्टडी करेंगे चैप्टर 4, बर्ड्स बीक्स एंड क्लॉज। बर्ड्स आर प्रोबेबली द मोस्ट फनी एंड इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स टू वॉच ऑफ ऑल एनिमल्स। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, कलरफुल फीदर्स एंड लॉन्ग टेल। यानी बर्ड्स आपकी फनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स है, ठीक, प्राणी है, और दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड का मतलब वो हेड इनका थोड़ा सा पतला होता है और जो उसके बाद का जो पोर्शन होता है ब्रॉड, चौड़ा होता है। कलरफुल पंख होते हैं और एक लॉन्ग टेल होती है। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, बर्ड आल्सो नीड फूड टू स्टे अलाइव। डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सो बर्ड्स ईट ग्रेन्स, फ्रूट एंड सीड्स। सम अदर ईट इंसेक्ट, फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। बर्ड्स डू नॉट हैव देयर टीथ लाइक अस। इंस्टेड ऑफ दिस, बर्ड हैव बीक एंड क्लॉज टू कैच होल्ड एंड ईट देयर फूड। तो यहाँ पे थर्ड लाइन अगर देखिए स्टार्टिंग से, तो लाइक अदर लिविंग एनिमल्स, अदर लिविंग एनिमल्स की तरह बर्ड्स को भी फूड की नीड होती है जिंदा रहने के लिए। तो डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जो अलग अलग टाइप्स की जो बर्ड्स होती हैं उनके फूड भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सम बर्ड्स ईट्स ग्रेन, कुछ बर्ड्स आपके ग्रेन खाती है, फ्रूट खाती है, सीड खाती है, जबकि सम अदर क्या खाती हैं? इंसेक्ट, फिश या फिर अदर स्मॉल एनिमल्स को। बर्ड्स डू नॉट हैव देयर टीथ लाइक अस, बर्ड्स के हमारे जैसे टीथ नहीं होते हैं। इंस्टीड ऑफ दिस, इसके बजाय, बर्ड्स हैव बीक। बर्ड्स में क्या होता है? एक बीक होती है और क्लॉज होता है। क्लॉज किस लिए होते हैं? टू कैच होल्ड, मतलब किसी चीज को पकड़ने के लिए, एंड ईट देयर फूड। देन फर्स्ट है आपका बीक्स। बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर मैनी थिंग्स सच एज टू कैच एंड ईट देयर फूड, टू पिक अप ट्विग्स, टू बिल्ड नेट्स। तो फर्स्ट यहाँ क्या था? टू कैच एंड ईट देयर फूड, अपने फूड को पकड़ने के लिए और खाने के लिए। और सेकेंड क्या? टू पिक अप ट्विग्स, टू बिल्ड नेस्ट, और नेस्ट बनाने के लिए जो घास फूस होता है उसको उठाने के लिए। टू फीड देयर यंग वंस, इसी वीक से वो क्या करती हैं? अपने छोटे बच्चों को खिलाती भी हैं। टू डिफेंड देमसेल्फ, और अपने आप की डिफेंड भी करती, सुरक्षा भी करती इसी से। है आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। फर्स्ट है शॉर्ट हार्ट एंड पॉइंटेड बीक्स। पिजन, पिकॉक, स्पैरो, वीवर बर्ड एसेट्रा हैव शॉर्ट हार्ट एंड पॉइंटेड बीक्स। दिस टाइप ऑफ बीक्स हेल्प द बर्ड्स टू पिक अप सीड एंड वर्म्स। द स्पैरो आल्सो यूज देयर बीक्स टू ड्राइव अवे अदर बर्ड्स। ओके, तो जैसे पिजन है, पिकॉक है, स्पैरो है या वीवर बर्ड है, इनके पास शॉर्ट हॉट एंड पॉइंटेड बीक होते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प द बर्ड्स टू पिक अप सीड्स एंड वर्म, और इससे क्या करते हैं? सीड को उठाते हैं या फिर वर्म्स को पकड़ते हैं। और स्पैरो क्या करती है? इसका यूज दूसरे बर्ड्स को भगाने के लिए भी करती है। ओके, ये पिजन का फिगर है। सेकंड है स्ट्रॉन्ग कर्व्ड एंड हुक्ड बीक। ओके, अ पैरट हैव कर्व्ड एंड हुक्ड बीक। इट यूज इट्स बीक टू क्रैक सीड। इट आल्सो हेल्प द पैरट टू क्लाइंब अप ट्रीज। जो पैरट होता है उसकी बीक कैसी होती? कर्व्ड और हुक्ड होती है। ओके, मुड़ी हुई हुक की तरीके से। और इसका यूज किसके में करते हैं? ये सीड को क्रैक करने में। और इट आल्सो हेल्प द पैरट टू क्लाइंब अप ट्री, और इससे वो ट्री पर क्लाइंब अप करते हैं, चढ़ते भी हैं इसकी हेल्प से। ओके, ये पैरट है, देखिए इसकी जो बीक है मैं दिखा रहा हूँ आपको, बीक पे थोड़ा सा देखिएगा, ये यहाँ पे, ये देखिए ये कैसे हुक टाइप में है। ओके, देन आपका स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व्ड बीक। ईगल, वल्चर, आउल एंड हॉक हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व्ड बीक।
दे यूज देयर बीक टू टीयर फ्लेश ऑफ स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल लाइक फ्रॉग स्नेक एक्सेट्रा। तो ईगल, वल्चर, आउल और हॉक में स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड बीक मिलता है। दे और ये अपने बीक का यूज किस में करते हैं? स्मॉल बर्ड्स या फिर एनिमल्स को टीयर करने में, ओके, फाड़ने में। ये आपका बर्ड है जिसकी बीक कैसी है? स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड। नेक्स्ट आपका लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स। हुपो एंड सन बर्ड हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स। हुपो यूज इट्स बीक टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड एंड ट्रीज। ये हुपो का फिगर है और इनकी जो यही है कि बीक जो है कैसी होती है? लॉन्ग और स्लेंडर होती है। और इनका यूज ये किसमें करते हैं? ग्राउंड या फिर ट्रीज के जो होल्स होते हैं उसमें से इंसेक्ट को बाहर निकालने के लिए करते हैं। ब्रॉड शॉर्ट एंड स्टिकी बीक्स। स्वेलोज हैव ब्रॉड शॉर्ट एंड स्टिकी बीक्स। दे फ्लाई विथ देयर बीक्स वाइड ओपन सो दैट द इंसेक्ट फ्रॉम द एयर स्टिक इनसाइड देयर माउथ। तो ये जो बर्ड है क्या इसकी जो इनकी टीथ होते हैं, सॉरी बीक जो होते हैं कैसे होते हैं? ब्रॉड शॉर्ट और स्टिकी होते हैं। तो जब ये फ्लाई करते हैं एयर में तो अपने बीक को ओपन रखते हैं जिससे इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है और इनके माउथ में चला जाता है। देन है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। वाटर बर्ड लाइक डक, स्वैम एंड गूज हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक विथ होल्स एट द साइड। दे टेक्स इन मडी वाटर विच फ्लो आउट थ्रू दीज होल्स वाइल स्मॉल प्लांट एंड आर टाइनी वाटर एनिमल्स रिमेन इन द माउथ। ये डक है आपकी। तो यहाँ पे क्या है, वाटर बर्ड जैसे डक, स्वैम या फिर गूज, इनकी जो बीक होती कैसी होती? ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, ओके। और साइड में क्या होता है, एक होल भी होता है। दे टेक इन मडी वाटर, ये क्या करते हैं, मडी वाटर अंदर लेते हैं, ओके। और होल से क्या होता है, ये फिर वाटर और मड बाहर चला जाता है, लेकिन जो उसके साथ में वाटर एनिमल्स या कोई प्लांट्स आता है तो उनके माउथ में ही रह जाता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक्स। वुडपेकर्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक। देयर बीक हेल्प देम टू मेक होल इन द ट्री ट्रंक एंड पुल आउट इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। तो ये आपका वुडपेकर्स है, इनकी जो बीक्स होती है कैसी होती है? चिजल से, ओके। और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये ट्री ट्रंक में होल बनाते हैं और उससे इंसेक्ट या फिर वॉर्म्स बाहर निकाल लेते हैं। अ फीट एंड क्लॉज। द शेप एंड साइज ऑफ बर्ड्स फीट एंड क्लॉज डिपेंड अपॉन इट्स फीडिंग एंड लिविंग हैबिट, ओके। उनके फीडिंग और लिविंग हैबिट के अकॉर्डिंग ही उनके फीट का शेप और साइज होता है। पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रो, रॉबिन, स्पैरो एंड वार्बलर हैव थ्री टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड वन टो पॉइंटिंग बैकवर्ड ऑन ईच अदर। दिस हेल्प देम टू होल्ड द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज फॉर्मली। सच बर्ड कैन स्लीप इवन वाइल पर्चिंग एंड द टोज कंटिन्यू टू ग्रिप फॉर्मली, ओके। तो ये फॉर्मली बर्ड्स का क्लॉज है। ये आपको क्रो, रॉबिन, स्पैरो एंड वर्बलर में देखने को मिल सकता है। और इनमें क्या है कि थ्री टोज आगे की तरफ रहते हैं और वन टो पीछे की तरफ होता है, और इससे इनको ब्रांच को होल्ड करने में, मतलब पकड़ने में काफी मजबूती मिलती है। और ये बर्ड मतलब इन क्लॉज की हेल्प से बर्ड आपके ट्री पर सो भी सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड। क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक पैरट एंड वुडपेकर्स हैव टू टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड अदर टू पॉइंटिंग बैकवर्ड। दिस हेल्प देम टू क्लाइंब द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन में क्या है कि क्लाइंबिंग बर्ड जैसे पैरट वुडपेकर्स में टू टोज आगे की तरफ होते हैं एंड अदर टू पॉइंटिंग बैकवर्ड और दो पीछे की तरफ होते हैं, और इससे उनको ट्री पर चढ़ने में हेल्प मिलती है, क्लाइंब करने में। देन प्रेइंग बर्ड्स लाइक हॉक, वल्चर, काइट एंड ईगल हैव एक्सट्रीमली शार्प क्लोज कॉल्ड टेलन। दे यूज टेलन टू कैच होल्ड एंड रिप अपार्ट देयर प्रे। तो प्रेइंग बर्ड्स जैसे हॉक हो गया, वल्चर है, काइट है, इन सब की जो क्लॉज होते हैं काफी शार्प होते हैं। ओके, और इसे क्या करते हैं, अपने जो शिकार होता है उसको पकड़ते हैं। ओके, और टियर भी कर देते हैं। स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हेंस हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन टो एट द बैक। दिस टोज हैव शार्प एंड बर्ड क्लॉज टू डिग द ग्राउंड। तो ये आपका फिगर है। तो यहाँ देखिए नेम ही इसका ऐसा है, स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैच मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। तो स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हेंस हैव थ्री टोज इन फ्रंट। इनके फ्रंट में थ्री टोज होते हैं और वन टो पीछे की तरफ होता है, और ये क्या करते हैं अपने इस क्लॉज से ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं। ओके, डिग करते हैं, स्क्रैच करते करते आपका ग्राउंड डिग हो जाता है। देखा होगा हेन में, देखा होगा आपने। देन स्विमिंग बर्ड्स, वाटर बर्ड्स लाइक डक, गूस एंड स्वान हैव वेब फिप। द स्किन ग्रोज इन बिटवीन द टोज एंड इट लुक्स लाइक अ वेव। द वेब फिट एक्ट लाइक पैडल्स एंड हेल्प दिस बर्ड्स टू पुश द वाटर बैक वाइल स्विमिंग। ओके, तो यहाँ देखिए स्विमिंग बर्ड्स का फिट है। तो जैसे ड्रग, गूज या फिर स्वाइन में आपके ये जो क्लॉज होते हैं, फीट जो होते हैं कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब कह सकते हैं जाली लुमा। तो द स्क्रीन ग्रोज इन बिटवीन द टोज, ये यहाँ देखिए फिगर को थोड़ा सा देखिए, मैं स्क्रैच करके बता रहा हूँ। ये फीट है, थ्री फीट है इसके, थ्री क्लॉज कह सकते हैं। इनके बीच का ये देखिए जो पार्ट है, इसमें क्या आ जाती है, एक स्किन आ जाती है। ओके, और ये स्किन से करते क्या है, जब ये स्विम करते हैं, ओके, तो क्या करते हैं, पैडल्स की तरह इनका ये यूज होता है। यानी क्या करता है, इससे ये वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और जब ये वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो ये आगे बढ़ जाते हैं। जब हम स्विम करते हैं तो उसका भी ये प्रोसेस होता है, वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं और हम आगे फॉरवर्ड होते जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। देन वैडिंग बर्ड्स लाइक क्रेन, स्टॉर्क एंड किंगफिशर have long slender legs and spread out toe for walking in water. तो इनके जो ये देखा होगा आपने क्रेन में या फिर स्टॉर्क में या फिर किंगफिशर, इनके जो लेग होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं, ठीक, और स्प्रेड आउट टोज फॉर, और जो ये देखते हैं फिगर से यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए काफी फैले होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, ठीक। ओके, जिससे ये वाटर में इजिली मूव कर सकें।